हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज इंडिया टीवी पर मेरे साथ ही बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। टेलीविजन के नंबर वन शो में हाल ही में इनकी एंट्री हुई और वो हैं अपूर्व अग्निहोत्री। सो गुड टू सी यू ब्रदर, कैसे हैं आप? बहुत 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 बढ़िया। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एंड अपूर्व, ऐसे टाइम पे आपकी अनुपमा में एंट्री हुई है जब आप बॉम्बे में सेट पर शूट नहीं कर रहे हैं। अभी आप कहाँ शूट कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूं कि मैं बॉम्बे में शूट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यकीन, मैंने एक ओटीटी के लिए एक काफी बड़ा शो आया था मुझे, एंड आई हैड टू वॉक आउट फ्रॉम द शो बिकॉज उसकी पूरी की पूरी शूटिंग मुंबई में होनी थी। मुझे थोड़ा सा फेथ नहीं हो पाया कि वो मेरा ख्याल रख पाएंगे, तो बिकॉज जो हो रहा है आजकल बॉम्बे में, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। हम लोग जो है सिलवासा में शूट कर रहे हैं, एंड एक बबल बनाया है हमने यहाँ पे। एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पर मौजूद है वो टेस्टेड है, और ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर वाला आसानी से अंदर आ सकता है। तो हम लोग एक बहुत ही सेफ जोन में, एक बहुत अच्छी जोन में शूटिंग कर रहे हैं, एंड अनलाइक मुंबई जहाँ पे सब लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग गेट टू गो आउट, यू नो, सबसे बढ़िया बात यह है। सो वी वेरी हैप्पी है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस टीम एज वेल। अपना अच्छा, पूरा डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन ही इस वक्त सिलवासा में पहुंच गया है। सिर्फ अनुपमा नहीं है, यस इसका क्या यस कहलाता है, यस प्रतिज्ञा, आइकोटे कैकर, सब यस सिलवासा यस में है। सो यस इट्स अ वन यस बिग डीकेपी फैमिली राइट नाउ देयर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड यू नो, यू जस्ट बंप कीप बंपिंग इनटू योर ओल्ड, एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे वी आर नॉट इन सिलवासा, वी आर इन फिल्म सिटी। फिर जब फिल्म सिटी में शूट करते थे, फिर वी टू बंप इनटू ईच अदर, लाइक पुराने अपने लोग। अच्छा, तुम, अरे तुम भी यहाँ, तुम भी यहाँ, ऐसा हो रहा है आपकी। एंड इट्स गुड टू सी पीपल वर्किंग एंड हैप्पी एंड गोइंग अराउंड फ्रेंडली, जो आजकल थोड़ी सी रेयर चीज हो गई, विदाउट गेटिंग स्केयर्ड। जाते हम लोग कभी कभी बॉम्बे भी निकलते थे, जो कॉन्स्टेंट फियर यार कोई आया है, बट 5 मिनट में आइएगा, 5 मिनट के बाद। तो एवरीबडी इज वेरी हैप्पी हियर, पीपल हैव टू वेयर मास्क, सम ऑफ देम आर वेयरिंग मास्क, सम ऑफ देम आर नॉट, बट यू आर नॉट स्केयर्ड, और आप नेचर के पास हैं, सो इट्स ब्यूटिफुल। अच्छा, अपने किरदार के बारे में बताइए अपूर्व। ऑलरेडी अनुपमा टेलीविजन का नंबर वन शो है। जब से शो शुरू हुआ है लास्ट ईयर, तब से लेकर अभी तक अनुपमा को नंबर वन के टीआरपी चार्ट का जो टॉप पोजीशन है, वहां से वो हिला नहीं पाया है। सो अब इस शो में आपकी एंट्री हुई है, क्या किरदार है, क्या कर रहे हैं अपूर्व इस शो में? मेरा किरदार बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीजें चॉक आउट की जा रही है। इस किरदार का नाम है डॉक्टर अद्वैत खन्ना, और ही इज अनलाइक एनी अदर डॉक्टर यू सीन। नॉर्मली डॉक्टर्स लाइक, अभी आप देख ही रहे होंगे मेरे बड़े बाल और दाढ़ी, यू नो, वेरी अनलाइक जिस तरीके से डॉक्टर्स को दिखाया जाता है शोज में या मूवीज में। सो दिस गाय इज अ ये डॉक्टर, डॉक्टर इज अ बिल्कुल रियल, इज अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल डॉक्टर। अनकन्वेंशनल। जी, मैंने थोड़ा सा वो ये वर्ड यूज नहीं किया, डिफरेंट और अनकन्वेंशनल, हैवी इतना ड्यूटी। ज्यादा लोग यूज करते कि हाँ, कि मतलब थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि इसके बिना ही डिस्क्राइब करता। सो दिस गाय इज अ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर, एंड ही इज इनटू मोटर बाइकिंग, ही लव्स टू राइड मोटरसाइकिल्स, ही प्लेस फ्लूट, उसको फ्लूट बजाना बहुत अच्छा। इनफैक्ट माय इंट्रोडक्शन जो हमने कल शूट किया है, वो बैठा हुआ पेड़ के नीचे कृष्ण कन्हैया की तरह बांसुरी बजा रहा है, एंड देन ग्रेजुअली दिस गाय विल बी रिवील्ड। सो इट इज गुड फन, या सो ही इज अ अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, इज अ वेरी पॉजिटिव गाय, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इस कैरेक्टर की जो प्रेजेंस है अनुपमा में, दैट विल बी नोटिस्ड, एंड पीपल विल लाइक हिम, पीपल विल थोड़ा सा, और इतने सारे कैरेक्टर्स को प्यार मिला, 5 मिनट, इतने सारे कैरेक्टर्स को प्यार मिला, तो इस कैरेक्टर को भी थोड़ा सा प्यार मिल रहा, तो मजा आ गया। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, अनुपमा की जिंदगी में जैसा आपने कहा कि ये किरदार थोड़ा कन्हैया टाइप का है, बांसुरी बजाता है और बाइक्स राइड करता है, अनुपमा की जिंदगी क्योंकि अब वनराज से वो अलग हो चुके हैं, तो अनुपमा की जिंदगी में क्या ये कन्हैया का किरदार प्ले करने वाला है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक अनुपमा किसी भी, अनुपमा आई थिंक एज अ कैरेक्टर, वन वन मैन वुमन, वन वुमन मैन जो भी होता है, वैसे ही मुझे लगता है, वो जो भी होगा होगा, बट वनराज के अलावा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मेरा मानना है। टीवी शोज आपको पता है कैसे लिखे जाते हैं, कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में टीवी शोज में,
बट फिलहाल मुझे नहीं ऐसा लगता, फिलहाल तो मुझे लगता है आई थिंक वी शुड गेट देम टुगेदर, ऐसा जिस तरीके से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि अच्छा अपूर्व, मेरे एक वनराज दोस्त, मिसिंग है। हाँ जी या हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वनराज मिसिंग है तो ही दिस गाय बम्प्स इनटू वनराज एंड ही टेक्स केयर ऑफ ही टेक्स हिम अंडर हिज विंग, देन उसको कभी कैसे ख्याल रहता है, देन अनुपमा किस तरीके से आके उनका अभी लिखी जा रही है, चौक आउट करी जा रही है चीजें, बस ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा आई एम चीज। श्योर अनुपमा में जो आपका जो कैरेक्टर है, ये रॉकस्टार डॉक्टर का, ये फैंस बहुत पसंद थैंक करेंगे। वैसे भी आप जो करते हैं वो यू जी हमेशा फैंस के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द जी वेरी थैंक यू बेस्ट, एंड थैंक प्लीज स्टे सेफ इन यू थैंक सिलवाड़ा, यू एंड आई होप यू कि टू बॉम्बे में यू टू। सिचुएशन ज्यादा बेहतर हो पहले से और आप लोग वापस बॉम्बे फिंगर्स आएंगे, क्रॉस, फिंगर्स दूर क्रॉस, होंगे। थैंक बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू यू बाय प्रफुल्ल, बाय थैंक यू सो मच, बाय, बाय बाय बाय, यू स्टे सेफ, बाय बाय। टू, बाय। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।